वेलकम टू जिब्रान खान की न्यूज। यहाँ सलमान खान ने अपना टीजर दे दिया है। जी हाँ, बिग बॉस का टीजर आ चुका है और जल्द से जल्द शुरू होने वाला है बिग बॉस 17। तो यहाँ क्या कुछ होने वाला है। बिग बॉस आते ही फ्लॉप हो गया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे बिग बॉस ने सिर्फ टीजर दिया है तो फ्लॉप कैसे हो गया, क्योंकि भाई पड़ोसी मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर तमाशा होता है। वहां पे तमाशे का पहला सीजन था, उसका जो सेम जो प्रोमो था वो इन्होंने एज इट इज छाप दिया। तमाशा का पहला टीजर था वो सलमान खान ने अपने बिग बॉस 17 के अंदर पूरा एज इट इज उसको कॉपी किया है। मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर आप देखे और यहाँ जो बिग बॉस की पिक्चर देखे। पहले मैंने आपको तमाशा की दिखाई थी और ये बिग बॉस की देखे, बिल्कुल सेम सेट यहाँ पे नजर आ रहा है। एक टीवी नजर आ रहा है और आप ये देख सकते हैं दोनों पिक्चर के अंदर सेम सेम टीवी है और थीम भी बिल्कुल एक जैसी दी हुई है। तो यहाँ सलमान खान की चोरी जो है पकड़ी गई है और यहाँ पे जितने भी क्रिएटिव जो बिग बॉस के थिंक टैंक थे वो सारे फेल हो गए। यहाँ तमाशा फिर से बाजी मार गया है, क्योंकि इससे पहले जो सीजन था उसमें भी काफी कॉपी की गई थी तमाशा की और अब तो पूरा का पूरा जो टीजर है सीजन 1 का तमाशा का वो पूरा कॉपी कर दिया है सलमान खान ने। सिर्फ और सिर्फ उसमें एक चीज दिखाई गई है, वो भी हैड। सिर्फ अदनान सिद्दीकी ने हैड नहीं पहना था, बाकी हर चीज वही रखी थी। टेबल रखी हुई है, उस पर एक मॉनिटर रखा हुआ है, यानी कि पुराने जमाने का मॉनिटर रखा हुआ है। वैसे सलमान खान ने भी वो मॉनिटर रखा हुआ है, ऑन हुआ हुआ है। पहले तमाशा के अंदर भी ऑन था और बिग बॉस के अंदर भी ऑन था। तो ये सारा जो टीजर दिखाया गया है सलमान खान ने पूरा का पूरा कॉपी है। सलमान खान को तो ये पता भी नहीं होगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये पूरी कॉपी हैगी। अगर सलमान खान को ये पता होता तो वो हरगिज़ ये कभी ना करते। लेकिन यहाँ बिग बॉस की जो टीम थी उन्होंने सलमान खान के साथ धोखा दिया है और यहाँ तमाशा की टीम जो है दोबारा जीत गई है। तमाशा के सिर्फ 2 सीजन हुए हैं तो इतनी हाइप बन चुकी है। सोचे अगर इसको बड़े स्केल पे, यानी कि अभी भी स्केल इसका बहुत बेहतर है, और इसको बड़े पैमाने पे किया जाए तो यहाँ काफी पीछे छोड़ा जा सकता है बिग बॉस को। यहाँ अब बिग बॉस को कैसे लेके चलेंगे, जैसे OTT पे चला रहे थे सलमान खान तो वहां पे काफी लड़ाई झगड़े हो गए थे, वो भी पुनीत सुपरस्टार के साथ और फिर एलवेश के साथ। बिग बॉस में अब ऐसी थीम दी गई है कि बिग बॉस के कुछ जो कंटेस्टेंट होंगे उनके साथ होंगे। घर के अंदर जितनी भी सियासत हो रही होगी वो बिग बॉस के कहने पे हो रही होगी और जो इसका शिकार हो रहे होंगे वो शिकायत करेंगे। लेकिन यहाँ गेम का ये रूल होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन बिग बॉस के साथ मिला हुआ है। सब लोग उसको शक की निगाह से देखेंगे और यहीं पे फिर लड़ाइयां शुरू होती रहेंगी। तो ये थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन टीजर में मार खा गए बिग बॉस। आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्रिएटिव टीम उठानी पड़ेगी। अगर हो सके तो आप तमाशा टीम से ले लें, क्योंकि काफी क्रिएटिव यहाँ पे आपको काम मिल रहेगा। छोटे से बजट के अंदर काफी बड़ा काम दिखा रहे हैं। तो साथ बने रहिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।